दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, जुमे की नमाज के बाद यूपी दिल्ली से बंगाल तक हंगामा, पथराव, आगजनी और लाठी चार्ज। ये आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद पर नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी को लेकर जुमे की नमाज के बाद देश भर की कई जगह हंगामा हुआ। प्रयागराज, मुरादाबाद, सहारनपुर, हावड़ा, रांची समेत कई जगह पत्थरबाजी की घटनाएं हुई। कुछ जगहों पर उपद्रवियों ने आगजनी की घटना को भी अंजाम दिया। मुरादाबाद में भी हिंसक हो रहे प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया। दिल्ली, कानपुर, देवबंद, सहारनपुर, लखनऊ, कोलकाता, हावड़ा, हैदराबाद समेत कई शहरों में हंगामा हुआ। आपको बता दें कि जिसको लेकर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की। और बड़ी खबर, मुस्लिमों में उबाल, मुरादाबाद मंडल में जुमे की नमाज के बाद गूंजा नुपुर शर्मा को फांसी दो। यहां आपको बता दें कि भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान को लेकर मुरादाबाद मंडल में मुस्लिमों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। मुरादाबाद में जुमे की नमाज के बाद एकाएक माहौल गर्मा गया। नमाज के बाद युवाओं की टोली ने जुलूस निकालकर नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी और फांसी की मांग कर डाली। नारे लगाते हुए तमाम युवा नुपुर शर्मा को फांसी दो की आवाज लगाते हुए निकले। पहले पुलिस प्रशासन ने भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया था। सेक्टरों में बांटकर शहर में मजिस्ट्रेट लगाए गए। रामपुर, अमरोहा और संबल में भी जुमे की नमाज को लेकर कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए। अधिकारी सड़कों पर मौजूद रहकर स्थिति पर निगाह जमाए रहे। नमाजियों के घर वापस लौट जाने के बाद ही अफसर रिलैक्स हुए। संबल में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपनी दुकानें बंद रखकर विरोध जताया। पुलिस ने जुलूस में आ रही भीड़ को रोककर चौराहे से घरों को जाने की अपील की। आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस ने सुरक्षा को चाक चौबंद रखा। और ये बड़ी खबर, यूपी में बवाल पर एक्शन में योगी सरकार, 116 लोगों को किया गया गिरफ्तार, लगाया जाएगा गैंगस्टर एक्ट। ये आपको बता दें कि नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के बयानों को लेकर कल एक बार फिर उत्तर प्रदेश में जमकर बवाल हुआ। जुमे की नमाज के बाद यूपी के 6 शहरों में लोगों ने नारेबाजी और पथराव किए। इस घटना के बाद योगी सरकार सख्त नजर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने उपद्रवियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस के मुताबिक कब तक इस मामले में 116 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गृह विभाग अवनीश अवस्थी ने कहा कि सहारनपुर, प्रयागराज में नमाज के बाद जमा हुए लोगों को मनाने के बाद तितर बितर किया गया। दूसरे शहरों में शांति कायम रही, शांति को खतरे में डालने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। हम लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हैं। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने लखनऊ में कहा कि हिंसा में शामिल लोगों को रोकने के लिए हल्का बल प्रयोग किया गया। प्रयागराज में स्थिति शांतिपूर्ण है। मैं लोगों से हिंसा का सहारा लिए बिना लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने की अपील करता हूं। अपर पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने कहा कि जिन भी सरकारी प्राइवेट संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया है उसकी वसूली भी की जाएगी और गैंगस्टर एक्ट के तहत इनकी संपत्तियों की भी जब्त किया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक DS चौहान ने दावा किया है कि राज्य में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए उचित व्यवस्था की गई है। हम हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। और बड़ी खबर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने की अपील, कहा टीवी डिबेट में हिस्सा ना लें उलेमा और मुस्लिम। ये आपको बता दें कि पूर्व बीजेपी नेता नुपुर शर्मा की पैगंबर पर टिप्पणी के बाद से ही देश और दुनिया भर में इसे लेकर नाराजगी जताई जा रही है। शुक्रवार को इस मामले में देश के कई शहरों में माहौल खराब हो गया। दिल्ली, सहारनपुर, प्रयागराज, लुधियाना, मुंबई, हावड़ा, तेलंगाना और मुरादाबाद में जुमे की नमाज के बाद भीड़ सड़कों पर उतर आई और हंगामा किया। इस सब के बीच अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक पत्र जारी करके उलेमाओं और देश के मुसलमानों से एक अपील की है, जिसमें उन्होंने सभी से टीवी डिबेट में शामिल ना होने की बात कही है। अपने इस पत्र में AIMPLB ने कहा कि उलेमा मौलाना उन टीवी चैनलों की बहस और टीवी डिबेट में भाग ना लें जिनका उद्देश्य केवल इस्लाम और मुसलमानों का उपहास करना और उनका मजाक उड़ाना है। आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुताबिक ऐसा करके वो अपने धर्म का मजाक बनाते हैं। आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश के मुसलमानों से बड़ी अपील की है, जिसमें उन्होंने सभी से टीवी डिबेट में शामिल ना होने की बात कही है। और बड़ी खबर, राजस्थान राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस ने 3 सीटों पर दर्ज की जीत, बीजेपी का 1 सीट पर रहा कब्जा। ये आपको बता दें कि राजस्थान में राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। कांग्रेस ने यहां पर 3 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। रणदीप सिंह सुरजेवाला को राज्यसभा चुनाव में 43 वोट मिले हैं, जबकि मुकुल वासनिक को 42 वोट मिले हैं। वासनिक के खाते का 1 वोट रिजेक्ट हुआ है। घनश्याम तिवारी को 43 वोट मिले हैं, प्रमोद तिवारी को 41 वोट मिले हैं, वहीं डॉक्टर सुभाष चंद्रा के खाते
में 30 वोट आए हैं। चुनावों में 3 सीटों पर जीत के बाद कांग्रेस कैंप में खुशी का माहौल है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में 3 राज्यसभा सीटों पर कांग्रेस की विजय लोकतंत्र की जीत है। मैं तीनों नवनिर्वाचित सांसदों श्री प्रमोद तिवारी, श्री मुकुल वासनिक एवं श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तीनों सांसद दिल्ली में राजस्थान के हक की मजबूती से पैरवी करेंगे। और बड़ी खबर, ज्ञानवापी में मिले ढांचे की जांच कराने की मांग वाली याचिका की गई खारिज। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में थी सुनवाई। ये आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ज्ञानवापी में मिले ढांचे की जांच कराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। आपको बता दें कि याचिका का योगी सरकार की ओर से विरोध करते हुए मुख्य स्थायी अधिवक्ता इंचार्ज अभिनव नारायण त्रिवेदी ने कहा कि याचिका क्षेत्राधिकार के अभाव में शोषणीय नहीं है। कोर्ट ने विस्तृत आदेश बाद में जारी करने को कहा। हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच के समक्ष एक जनहित याचिका दाखिल कर मांग की गई थी कि ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग की जांच और अध्ययन के लिए हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान या सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में एक कमेटी या फिर आयोग का गठन किया जाए। आयोग अध्ययन कर तय करे कि यह संरचना शिवलिंग है या फिर फब्बारा है। याचिका में यह भी मांग की गई है कि अगर यह संरचना शिवलिंग है तो हिंदुओं को पूजा का अधिकार दिया जाए और यदि फब्बारा है तो इसे क्रियाशील यानी फंक्शनल किया जाए। आपको बता दें कि फिलहाल कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। और बड़ी खबर, रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी ने झोंकी ताकत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह समेत 24 मंत्री करेंगे प्रचार। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 2 सीटों रामपुर और आजमगढ़ सीट पर हो रहे लोकसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी ने 2 सीटों पर हो रहे लोकसभा उपचुनाव के लिए 40 प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी नाम शामिल है। दरअसल अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा की करल सीट से जीत के बाद आजमगढ़ सीट छोड़ दी थी, तो वहीं आजम खान ने रामपुर सीट छोड़ दी थी, जिसकी वजह से दोनों सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। बीजेपी ने रामपुर सीट से घनश्याम लोधी और आजमगढ़ सीट से भोजपुरी स्टार दिनेशलाल निरहुआ को उम्मीदवार बनाया है। रामपुर सीट की बात करें तो ये इलाका मुस्लिम बाहुल है, जहां पर समाजवादी पार्टी बीजेपी के मुकाबले ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। यही वजह है कि बीजेपी ने इन 2 सीटों पर पूरा जोर लगा दिया है। बीजेपी ने इन 2 सीटों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह के अलावा डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे, पंकज चौधरी, कौशल किशोर, मुख्तार अब्बास नकवी, साध्वी निरंजन ज्योति और प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और बीएल वर्मा को स्टार प्रचारक बनाया है। इसके अलावा प्रदेश सरकार के मंत्रियों में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बेबी रानी मौर्य, एके शर्मा और धर्मपाल सिंह को प्रचार की जिम्मेदारी दे दी है। और बड़ी खबर, बीजेपी की चुनाव आयोग से शिकायत के बाद हरियाणा में रुकी वोटों की गिनती। ये आपको बता दें कि हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती को रोक दिया गया है। चुनाव को लेकर बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल दिल्ली में निर्वाचन आयोग पहुंचकर मतदान में गोपनीयता के नियमों को तोड़ने के आधार पर हरियाणा राज्यसभा चुनाव को अमान्य घोषित करने की मांग की थी। बीजेपी प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात के बाद हरियाणा में वोटों की गिनती रोक दी गई है। बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल में शामिल केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास ने कहा कि महाराष्ट्र और हरियाणा में राज्यसभा चुनावों के संबंध में भाजपा के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज इलेक्शन कमीशन के साथ में मुलाकात की। हमारी पार्टी ने विशिष्ट राज्यों में भी शिकायतें दर्ज कराई हैं। उन्होंने कहा कि हमने मांग की है कि मतदान में गोपनीयता के टूटे नियमों के आधार पर इस चुनाव को अमान्य घोषित किया जाए। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मंत्री कृष्ण लाल पवार को खड़ा किया है, जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। मीडिया कारोबारी कार्तिकेय शर्मा निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में हैं। और बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान। बोले, कुछ लोगों ने निराशाजनक इतिहास लिखा लेकिन सत्य को रोका नहीं जा सकता। ये आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को देश के इतिहासकारों से अतीत के गौरव को पुनर्जीवित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि इससे उज्जवल भविष्य के निर्माण में मदद मिलेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 800 से 900 साल की स्वाधीनता की लड़ाई के चलते हम बचे हुए हैं। संस्कृति को बचाने के लिए लोगों ने बलिदान दिया है। कुछ लोगों ने इतिहास विकृत तरीके से लिखा।
रहा है, लेकिन हमें कौन रोक सकता है? सत्य को रोका नहीं जा सकता। सवाई मान सिंह ने अकबर से समझौता कर लिया तो हमारे इलाके में सवा नहीं हवा बोलते हैं, सवाई महल को हवाई महल कहते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि हमारा प्रयास बड़ा होना चाहिए, झूठ की चर्चा से भी उसको बल मिलता है। हम स्वतंत्र हैं, हमें हमारा इतिहास लिखने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ लोगों ने इतिहास को इस तरीके से लिखा है कि निराशा का जन्म हो, लेकिन इस भूमि में निराशा हावी नहीं हो सकती, यहाँ पर सत्य ही जीतता है। गृह मंत्री अमित शाह ने आगे कहा कि नागभट्ट और प्रतिहार राजाओं को साथ लेकर बप्पा रावल ने इस्लामिया आक्रांताओं को हराया था, अरबों को दिन में तारे दिखा दिए थे, उनके शौर्य के चलते 500 साल तक हमले की हिम्मत नहीं हुई, पर आज के छात्र उनके बारे में बहुत कम जानते हैं। इतिहास को बदल देना सिर्फ सरकार का विषय नहीं है, जरूरी है कि लोग पढ़ें, रिसर्च करें, सच को उजागर करें, गलत धारणाओं को दूर करें। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि कई सारे साम्राज्य हुए, लेकिन इतिहासकारों ने सिर्फ मुगल साम्राज्य के बारे में लिखा, चालुक्य, अहोम, पल्लव जैसे गौरवशाली साम्राज्यों को उचित जगह नहीं मिली। इन सब पर संदर्भ ग्रंथ लिखने की जरूरत है, सच अपने आप सामने आ जाएगा। भारत सरकार भी पहल कर रही है, लेकिन जब सरकारें इतिहास लिखती हैं तो उसमें समस्या आती है। उचित है कि समाज से विद्वान निकलकर सामने आए और संदर्भ ग्रंथ लिखें। और बड़ी खबर, सिंगल यूज प्लास्टिक बंद करने पर बेरोजगार हो जाएंगे कई लोग, कैटने की मांग, विकल्प दे सरकार। ये आपको बता दें कि 1 जुलाई 2022 से लागू होने वाले सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध एक व्यवहारिक कदम है और पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन समान एवं उचित विकल्पों के अभाव में ये प्रतिबंध देश के उद्योग एवं व्यापार पर विपरीत प्रभाव डाल सकता है। देश का कारोबारी समुदाय इस गंभीर मुद्दे पर सरकार के साथ में खड़ा है, लेकिन साथ ही ये भी मानता है कि प्लास्टिक के सिंगल यूज के स्थान पर समान विकल्प मुहैया कराने के लिए पर्याप्त तैयारी नहीं की गई है। ये कहते हुए कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट ने आज केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को भेजे एक पत्र में कहा है कि पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक के बड़े पैमाने पर उपयोग देखते हुए बिना वैकल्पिक वस्तु के पूर्ण प्रतिबंध व्यापार और उद्योग के लिए बहुत हानिकारक साबित होगा। और बड़ी खबर, गुजरात गौरव अभियान में अपने टीचर से मिले पीएम मोदी, गुरु ने हाथ फेरा तो भावुक हो गए प्रधानमंत्री। ये आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब तक आपने उनकी मां के साथ में तस्वीरें देखी होंगी, पहली बार उनकी तस्वीर अपने स्कूल के शिक्षक के साथ में सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को जब नवसारी में अपने टीचर से मिले तो दोनों की खुशी का ठिकाना न रहा। मोदी ने अपने शिक्षक को प्रणाम किया तो उन्होंने भी सिर पर हाथ फेरते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को गुजरात के नवसारी में गुजरात गौरव अभियान में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने 300 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास और भूमि पूजन कर दिया। और बड़ी खबर, बच्चों को बहकाने वाले भ्रामक विज्ञापनों पर सरकार हो गई सख्त, जारी किए दिशा निर्देश, 50 लाख रुपए तक का लगेगा जुर्माना। ये आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने शुक्रवार को भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, ताकि इस तरीके के विज्ञापन के जरिए प्रचारित संदेशों से शोषित या प्रभावित होने वाले उपभोक्ताओं की सुरक्षा की जा सके। खासकर बच्चों के संबंध में इन दिशा निर्देशों में कंपनियों को स्वास्थ्य व पोषण संबंधी फायदों के बारे में झूठे दावे करने से और उपहार का लालच देकर बच्चों को सामान व सेवाएं लेने के लिए राजी करने आदि पर रोक लगाने का प्रावधान है। दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए दंड का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। केंद्रीय उपभोक्ता सुरक्षा प्राधिकरण किसी भी भ्रामक विज्ञापन के लिए निर्माताओं, विज्ञापन दाताओं और एंडोर्सर्स पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है। इसके बाद भी अगर नियमों का उल्लंघन होता है तो CCPA 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है। थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।